ऐसे करो जो मीत बन जाए। मौन की साधना कुछ ऐसी करो आपके चेहरे की स्मित बन जाए। हवा बन ऐसे बहो कोरोना लेस विश्व बन जाए। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आज तो घूमने का मानस है तो चले थोड़ा सा घूम के आए। नगर के बड़े उद्यान में दोनों जहां पहुंचे धीरे धीरे दोनों टहलने लगे और साथ में बातें भी करते रहे। चलते चलते इधर उधर की बहुत सारी बातें होती गई। उतने में कहीं से जोर शोर से आवाज सुनाई पड़ी। दोनों ने जिस दिशा में से आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर नजर लगाई तो दो आदमी चिल्ला चिल्ला कर आमने सामने जगर रहे थे। लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, उनको समझा भी रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। न जाने उस समय अकबर बादशाह के दिमाग में कुछ विचार आया और बीरबल से पूछा, बीरबल अगर जिंदगी में कोई मूर्ख व्यक्ति का संग हो जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत बीरबल ने कहा, जहां अपना सबसे बड़ी चूक चुप रहना, मौन रहना, ध्यान लगाना, ध्यान मुद्रा में बैठ जाना जीवन में बहुत लाभदायी रहता है। आज 21वीं सदी में भी पहले साइकोलॉजिस्ट टेलीपैथी का प्रयोग हो रहा है। टेलीपैथी का अर्थ है विचार संप्रेषण कला। जैसे आप ध्यान में बैठे हो वो आपके विचार तरंगों को देश विदेश में रहे हुए कोई निर्धारित व्यक्ति या आपके कोई रिलेटिव को भेजना चाहते हैं तो आप विचार संप्रेषण कला से भेज सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी माइंड रिसीवर से आपके विचार तरंगों को पकड़ सकता है, ग्रहण भी कर सकता है और आप क्या कहना चाहते हैं उसको समझ भी सकता है। भूतकाल में जब संदेशों को भेजने की कोई व्यवस्था नहीं थी तब आदमी टेलीपैथी के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को मानस समाचार भेजते रहते थे और अपना कार्य कर लेते थे। श्रीपाल और मैना के जीवन चरित्र में भी ऐसे कई प्रसंग देखने को मिले हैं। आपके रूटीन जीवन में, आपके दैनिक जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग बनते रहते हैं जिसको आप कभी कभी बहुत ही याद करते हैं तो वो व्यक्ति सडनली आपके पास आकर खड़ा रह जाता है। यह भी एक टेलीपैथी की ही प्रक्रिया है। रेकी हीलिंग्स, क्रिस्टल हीलिंग्स ऐसी कई प्रक्रियाएं जो टेलीपैथी की है और आज के आधुनिक युग में बहुत ही प्रचलित है, किंतु इस कला की प्राप्ति का उपाय क्या? उपाय है सिर्फ एकमात्र मौन। मौन जैन शासन का एक श्रेष्ठतम सहज तत्व यही है। किसी तीर्थंकर परमात्मा संयम ग्रहण करने के बाद प्राय प्राय
मौन में ही रहते हैं। जब तक संपूर्ण परम ज्ञानी और परम दर्शनी नहीं बनते हैं तब तक वो मौन में रहकर अपनी साधना करते हैं। प्रभु महावीर सारे 12 वर्ष तक मौन रहे थे। उनकी मौन की साधना बड़ी कठोर थी। प्रभुत्व पाने के लिए मौन रहना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा मन हमेशा चल मुहूर्त में घूमता फिरता रहता है। हमारा मन न स्थिर है, न स्वच्छ है और न स्वस्थ भी है। मौन रहने से हमारे मन के विचारों की स्थिरता आती है, अतः हमारा मन स्थिर हो सकता है, स्वच्छ भी बन सकता है और स्वस्थ भी रह सकता है। विचार का भी मौन, वचन का भी मौन। आप धीरे धीरे मौन में रहने का अभ्यास करें। वचन का मौन भी बड़ी ताकत देता है। हमारा शरीर प्राय प्राय छोटे मोटे रोगों में गिरा रहता है। आज कोरोना रोग का शिकार बन चुका है, अतः संयमित रहने का प्रयास करें। 2 गज दूरी पर रहे। जब मेडिटेशन में भी पॉजिटिव रहना भी जरूरी है। ध्यान मुद्रा में, ध्यान अवस्था में ध्यानस्थ व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग, शिवमस्तु सर्व जगत की भावना जैसी विचारधारा में डूबा रहता है। कोरोना वायरस ने आपको बहुत सारा समय दे दिया है। अभी भी आपके पास जो भी समय है आप मौन रहने की साधना करें। मौन की साधना से आपको जरूर आत्मनिर्भरता मिलती है। आपको कोरोना वायरस को भगाना है और ह्यूमिनिटी पावर आपको बढ़ाना है और जिंदगी को बचाना है, तो अधिक से अधिक मौन में रहे, प्रभु का नाम का स्मरण करें, पॉजिटिव बने रहे और आत्मनिर्भर यही प्रोग्राम को, आत्मनिर्भर यही पैगाम को आप याद रखें। आत्मनिर्भर यही पैगाम को आप जरूर याद रखें। पीस ऑफ माइंड के शॉर्ट मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग करके आप तक लाइव पहुंचाने वाले हेतल फोटू आर्ट के महेश भाई शाह ने यथार्थ प्रयास किया है। उनका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप 3 वर्ड्स इन द पॉकेट, ट्राई टू एंड ट्रस्ट, ट्राई फॉर बेटर फ्यूचर, ट्रू विथ योर वर्क्स, ट्रस्ट इन गॉड, देन सक्सेस विल बी एट योर फिट। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोका। ओम शांति शांति शांति।